सेवा संस्थान उदयपुर में स्थित जो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है और हमारी जो ब्रांच शाखा कैथल है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे हरियाणा के अंदर दिव्यांग बंधु हैं उन्हें हम सकलांग बनाकर, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके, उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान करके, और ऐसे बच्चे जो ऑपरेशन की वजह से चल नहीं सकते उन बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन करवाकर, और ऐसे बच्चे जो हृदय का दिल के अंदर जो छेद होता है वो बच्चे आर्थिक रूप से अपना इलाज नहीं करा पाते, ऐसा हमारा जो हमने शाखा कैथल यहाँ पर बनाई है, मैं समस्त हरियाणा प्रांत की तरफ से ये सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस नारायण सेवा संस्थान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि समस्त हरियाणा के अंदर से जो ये बीड़ा शाखा कैथल ने उठाया है, हम समस्त हरियाणा से इस दिव्यांगता को दूर करके सभी को समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें। नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल द्वारा हनुमान वाटिका में ये कैंप लगाया गया था, जिसमें 86 दिव्यांग बंधु जो किसी भी कारणवश अपने हाथ और पैर खो चुके थे दुर्घटना में, उनके लिम्ब्स की पैमाइश ली गई थी, और आज वो शुभ दिन आया है जब उन 86 दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम मॉड्यूलर, नारायण मॉड्यूलर कृत्रिम हाथ और पैर लगाए गए हैं। ये इस तरह के लिम्ब्स हैं जिनसे कि काफ़ी हद तक वो फंक्शनल रहते हैं और अपनी रूटीन की दिनचर्या में नॉर्मल ज़िंदगी एक दिव्यांग जी सकता है, तो दिव्यांगता को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 86 दिव्यांग बंधुओं को आज कृत्रिम हाथ और पैर लगाए गए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका क्या, 18 मार्च को मैं बता रहा था जो कैंप लगा था हनुमान वाटिका में ही, कैथल डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर से दिव्यांग बंधु जो किसी भी कारणवश दुर्घटना में हाथ पैर खो चुके थे वो आए, उन्होंने अपना उदयपुर से जो टीम आई थी डॉक्टर्स की, उन्होंने उनका चेकअप किया और उनके जो कटे हुए लिम्ब्स हैं उनकी पैमाइश ली, POP कास्ट बनाया और एक वो पैमाइश लेके वो उदयपुर लेके गए। आज फिर वो 3 महीने में वो बन के आए हैं सारे लिम्ब्स और आज उनको लगाए। जैसे आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग जी ने और सह संयोजक डॉक्टर विवेक ने बताया है, हमारा उद्देश्य है हरियाणा और कैथल से दिव्यांगता खत्म हो। आज से पहले 18 मार्च को कैंप लगाया था जिसमें 345 पेशेंटों का OPD हुई थी, जिसके अंदर 112 पेशेंट थे हमारे पोलियो के, 86 थे हमारे कृत्रिम अंग के, कुछ पेशेंट और थे। आज जो हमने 86 कृत्रिम अंग लगाए हैं, सुबह से आज हम 8 बजे लगे हुए हैं, डॉक्टर उदयपुर से टीम आई हुई हमारी। आज कुछ पेशेंट दिन में खाना खाकर चले गए, 10-20 पेशेंट, तो बाकी पेशेंट अभी मौजूद हैं यहाँ पर। तो हमारी है कि आने वाले टाइम में जो भी दिव्यांग भाई हमारे बहन भाई रह गए इस वंचित सेवा से, तो हम उनको दूर करने की कोशिश करें। नारायण सेवा संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो चल नहीं सकते थे उनको अंग प्राप्त किए, वो अपने पैरों पर चल रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रही है और शहर में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही समाज के कार्य करते रहे और लोगों को पांव पर चलना सिखाते रहे। बहुत बढ़िया काम संस्था कर रही है, मैं इनको बार बार बधाई देना चाहता हूँ।